भारत में न्यूमोनिया से मरने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। न्यूमोनिया से हर साल देश में 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 3.5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। भारत में हर साल करीब 4.5 करोड़ बच्चे न्यूमोनिया के शिकार होते हैं, जिनमें से 10% को इससे जीवन का खतरा रहता है। न्यूमोनिया फेफड़ों में एक प्रकार का संक्रमण है, जिसमें रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है। न्यूमोनिया वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। न्यूमोनिया की शुरुआत हल्के सर्दी जुकाम से होती है, जो धीरे धीरे गंभीर रूप अख्तियार कर लेता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यहाँ भी कंजेशन होगा, वहाँ पे निमोनिया का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि कंजेशन से हम एक दूसरे को निमोनिया देते हैं। तो स्कूल में ये हो जाता है, जैसे एक फैमिली में इकट्ठे लोग रह रहे हैं, उसमें ज़्यादा हो जाएगा। रूरल सेटिंग में जो हमारा बायोफ्यूल होता है, गोबर हम जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, और वो बंद कमरे में जलाएंगे अगर, तो पोल्यूशन बढ़ जाता है। शहरों में भी हो सकता है, तो इंडोर पोल्यूशन है, उसके वजह से ज़्यादा होता है। तो ये दोनों जगह होता है, और इन दोनों परिस्थिति में, और अंडर नरिश चाइल्ड है, कंजेशन है, पोल्यूशन है, स्मोक कर पेरेंट्स करते हैं, तो फिर बच्चे के लिए वो प्रीडिस्पोजिशन बढ़ जाती है। बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार न्यूमोनिया के शुरुआती लक्षण हैं। तेजी से सांस लेना और छाती में गड्ढे पड़ना, बच्चों को दूध पीने में परेशानी होना, होठों और नाखूनों का रंग नीला पड़ जाना और बेहोशी छा जाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर बचाव देखें तो न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इंडोर एयर पोल्यूशन को अवॉइड करना, हैंड वॉशिंग करना, और जो भी वैक्सीन हमारे नेशनल प्रोग्राम में है उनको बच्चे को पहुँचाने से बचाव होगा। लेकिन सारा मिलाने से फिर भी पूरा बचाव संभव नहीं है, तो जब हो तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, और स्वास्थ्य कर्मी और अस्पताल पहुँचाना है। डॉक्टरों के मुताबिक न्यूमोनिया की रोकथाम के लिए बचाव और टीकाकरण सुरक्षित और सस्ता उपाय है। जाहिर है, अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो बाल मृत्यु दर में एक हद तक कमी लाई जा सकती है। निमोनिया के इलाज और बचाव के टीके होने के बावजूद तकरीबन हर 2 मिनट में 3 बच्चों की, हर 1 घंटे में 40 बच्चों की, और हर दिन तकरीबन 1000 बच्चों की मौत हो जाती है। अगर लोग सचेत रहें और सही वक्त पर अपने बच्चों का इलाज कराएं, तो इन ननिहालों की होने वाली मौत को रोका जा सकता है। नितेंद्र सिंह, DD News, दिल्ली।